मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 100 दिन के हुए कार्यक्रम बताते चले। मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 180 दिनों कार्यक्रम चलाए जाने के लिए विस्तृत कार्य योजना पर समित विभाग के साथ विकास भवन स्थित सभागार में बैठक का आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे 180 दिन वाले मिशन शक्ति अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में जानकारी दी। सभी स्वैच्छिक संगठनों के इस अभियान में जुड़ने के लिए प्रशंसा की गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश सुझाव दिए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं बालिकाओं बच्चों के लिए दान और सब सप्ताह आयोजन मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार 2/11/2020 से 10/11/2020 जनपद बरेली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम आयोजन दिवाली पर भी इसलिए किया जा रहा है गरीब मलिन तथा जरूरतमंद को सामान दिया जा सके और दीपावली खुशी के साथ मना सके। दिवाली खुशी के साथ मनाने के लिए इसमें कपड़े किताब पुराने बर्तन स्टेशनरी खिलौने इलेक्ट्रॉनिक सामान चालू हालत में दान दिया जाएगा। दानोत्सव सप्ताह का आयोजन सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट से प्रारंभ किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इस दानोत्सव में प्रतिभाग किया जाएगा। दानोत्सव सप्ताह में जो व्यक्ति अपना संबंधित सामान दान करेंगे उसकी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। उनसे पैकेट बनाकर इसमें उपयोगी दान की वस्तुएं भी होंगी। जरूरतमंद महिलाओं के लिए इस अभियान की शुरुआत की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है, खुशी बांटने का त्यौहार है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक दानोत्सव बेसिकली कलेक्शन ड्राइव का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंक्स, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, पब्लिक जो भी चाहे इसके अंदर जो यूटिलिटी के आइटम्स हैं, कपड़े हैं, बुक्स हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं और भी जो चीज़ें हैं, जो भी डोनेट करना चाहता है वो ये सामान डोनेट कर सकता है। और हम लोग ये सामान ऐसे गरीब तबकों के साथ में शेयर करना चाहेंगे जिनके पास में ये बेसिक सुविधा भी अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश यही है कि जॉय ऑफ गिविंग, कि कुछ देने का जो खुशी है, तो हम लोग कुछ शेयर करके ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास कोई भी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र हमने 2 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। आज जो ये कार्यक्रम मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में चालू हुआ है विकास भवन सभागार से, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मिशन शक्ति अभियान है इसको हम कैसे जनपद बरेली में बहुत अच्छे प्रयास से सफल बनाएं और इसको निरंतर चालू रखें। इसी के लिए आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्लब, समूह, समाज सेवी संगठन, स्वयंसेवी कार्यकर्ता और सारे विभागों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें मिशन शक्ति अभियोजना की कार्य योजना हम लोगों ने तैयार करने के लिए काफ़ी डिस्कस किए हैं बिंदु। दूसरा जो सर का एक इनोवेशन है कि दानोत्सव, जॉय ऑफ गिविंग, दिवाली का समय है, लोग अपने घरों की सफाई करेंगे, तो सभी से एक सर की और हमारी ये अपील है कि जो हमारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको जो हमारा सामान है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सामान को, कूड़े को नहीं, अच्छे सामान को हम लोग दान करेंगे और गरीब ज़रूरतमंदों तक उसको उपलब्ध कराएंगे। इसके कलेक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग अपने एनजीओस का सहयोग लेंगे, सरकारी विभाग भी रहेंगे। इसके प्रचार प्रसार के लिए हम सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया प्लस हमारे रेडियो, FM आदि को पार्टनर बना रहे हैं जिससे कि जो सभी दिवाली में खुशियाँ सबके घर आएँ, कोई ऐसा घर हम लोगों से ना छूटे जहाँ पर ये सामान ना पहुँच पाए। और मिशन शक्ति हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सभी को इसका एक अच्छा हिस्सा बनाया जाए और बृहद स्तर पर इसका संचालन किया जाए। इसी के लिए आज यहाँ पर महिला कल्याण विभाग के द्वारा मीटिंग आयोजित कराई गई है।